These theories focus on the affective aspect of of moral development and and include altruism theories such as Aaron theory of altruistic and sympathetic behavior. देखिए इनकी थेरी ये थी कि आप दूसरों के साथ हमदर्दी और दूसरों की मदद के बारे में सीखते हैं हमारा कुदरती जज्बा यह है कि जब किसी को परेशान देखते हैं तो हम खुद भी परेशान हो जाते हैं और खुशी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं यानी हमारे जो जज्बात हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शियस हैं आपने देखा होगा किसी को आप मुस्कुराहट दें तो वो भी बदले में आपको मुस्कुराहट जरूर देता है आप वार्म होना चाहते हैं आप मोहब्बत से किसी से बात करते हैं तो अगला शख्स भी आपसे नर्म लहजे में बात करता है क्योंकि जज्बात ट्रांसफर होते हैं है ना इस तरह से एक दूसरे को देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं सो एज इन बर्स थेरी ऑफ प्रोसोशल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर एंड हॉफ मैंस थेरी ऑफ एम्पसी एंड मॉरल डेवलपमेंट ये सारे हमारे अफेक्ट पे आ, बेस करती हैं यानी हम जो हमारी जज्बात हैं या जो हमारी वैल्यूज़ जहनी तौर पर बनती हैं एटीट्यूडनली बनती हैं ये वो थेरीज हैं जो हमारे इमोशंस को हमारे फीलिंग्स को हाई करती हैं इस एम्पेटेटिक बिहेवियर के बेसिस पे जब हम किसी को परेशान देखते हैं तो हमारा कुदरती तौर पर दिल चाहता है कि हम उसकी मदद करें ये अलग बात है कि कितने बैरियर्स हैं जो उसकी मदद से हमें रोक रहे हैं इसी तरह किसी गरीब को किसी भूखे को और तो और किसी ज़ख्मी को ख़ुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो हम कुदरती तौर पर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं क्योंकि हमारे ये अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है हमारे अंदर ये वैल्यूज़ इंसानी तौर पर बनी हुई हैं ये अलग बात है कि हम उनकी तरबियत करके उनको किस तरह से बेहतर चैनलाइज कर सकते हैं कि हमने कैसे उसको चैनलाइज़ करना है और हमने अच्छे और बुरे की तमीज़ कैसे रखनी है वरना हम सर जबिल्ली तौर पर किसी भी गलत या दूसरे की परेशानी को देखते हुए उसके साथ परेशान होने की हमारी ये सलाहियत मौजूद है देन वी सी बिहेवियरल आस्पेक्ट ऐसी बहुत सी थेरीज हैं जो ये बताती हैं कि एथिकल जो बिहेवियर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हाउ यू रिएक्ट आप किसी चीज़ को देख के उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करेंगे सो दीज थेरीज मेनली डील विद मॉरल बिहेवियर

लोग एक दूसरे को मारने पीटने छी, छीनने झपटने पे आमादा हों तो हर बंदे के अंदर ये बिहेवियर आ जाता है क्योंकि अगर कोई उससे छीनने की कोशिश करेगा तो वो भी डिफेंसिव हो जाएगा आपने देखा है कि बहुत से छोटे बच्चे ऐसे घरों में पलते हैं जहाँ पे वो अकेले हैं और वालदे तो उनसे ज़ाहिर चीज़ें नहीं छीनते उनको तस्वूर ही नहीं है कि छीनना कैसे क्या होता है लेकिन जब वो किसी ऐसे ग्रुप में जाते हैं या आप ऐसे क्लासरूम में जाते हैं जो अनवॉच्ड है या अनडिसप्लेंड है तो उसमें उससे कोई छीन रहा होगा तो वो भी छीनने की कोशिश करेगा और पहली दफा सीखेगा कि छीनना क्या चीज है और छीनने से क्या होता है क्या फर्क पड़ता है जो किसी किसी ने मुझे तकलीफ पहुँचाई है मैं इसे किसी दूसरों को पहुंचा सकता हूँ सो so, ये बिहेवियर्स हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं देन हमारे कॉगनेटिव आस्पेक्ट है कि कुछ चीज़ें तो हम जबिली तौर पे करते हैं दूसरे हास करेंगे तो हम भी उनके साथ करेंगे लेकिन कुछ चीज़ें हम सोच समझ के करते हैं दीज थेरीज कंसनट्रेट ऑन मॉरल जजमेंट एंड मॉरल रीजनिंग ये हमें ऐसी थैरीज हमें ये बताती हैं कि कभी भी कुछ भी करने से पहले हम कॉग्नेटिवली उसको तोलते हैं समझते हैं कि ये एक्शन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके क्या नुकसान हो सकते हैं क्या फ़ायदे हो सकते हैं बदले में हमें क्या मिलेगा या ये कि हम किस लिए ये सब कर रहे हैं बासियत इंसान हमारे फ़रज़ क्या हैं और हमारे राइट्स क्या हैं सो so, ये हमें सोचने समझने पे रीजनिंग करने पे मजबूर करती हैं सो एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड प्याजेस थेरी ऑफ मॉरल जजमेंट एंड कोलबर्ग्स थेरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब प्याजे भी यही कहते हैं कि आप ग्रुप्स में किस तरह से सीखते हैं बच्चा जब कॉग्नेटिवली uh, समझदार होता है कंक्रीट चीज़ों को समझने लगता है तो वैल्यूज उसकी समझ में आना शुरू होती हैं उसको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना कोलबर्ग भी आपको बताता है कि वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहत बदलती चली जाती हैं शुरू में आप सोच रहे होते हैं कि मैं दूसरे का फायदा करूँगा तो वो भी मेरा फ़ायदा करेगा लेकिन एक वक्त आता है जब वो अपने फ़ायदे पर दूसरों के फायदे को तरजीह देने लगता है और वो अपनी हाइस्ट स्टेज को अचीव कर सकता है सो लाइक वाइज हमने कहा था कि एक इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव भी है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ क़ा वो हमारे जज्बात हों अफेक्ट हो हमारी कॉग्निशन हो हमारी सोच हो या हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ हो अकेले में काम नहीं करती मिलजुल के असरअंदाज होती हैं आखिर में जो बिहेवियर हम दिखा रहे होते हैं उस पर काफ़ी चीज़ें एक साथ असरअंदाज कर रही होती हैं सो दीज थेरीज टू प्रपोज थेरीज दैट इंटीग्रेट टू और थ्री ऑफ द अफेक्टिव बिहेवियोरल एंड कॉपनेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ मोरलिटी सारी चीज़ें मिल जाती हैं सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड बेंदूराज सोशल कागनेटिव मॉरल थाट एंड एक्शन ये कहते हैं कि आप सोचते क्या हैं और एक्शन किस तरह से लेते हैं बालसिस इंटीग्रेशन ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनैलिटी और ये बताते हैं कि आप चीज़ों को परसीव ही ऐसे करते हैं जैसा कि आपकी शख्सियत का हिस्सा है जो चीज़ें पहले से आपकी अकदार बन चुकी हैं आपको ज़माने में चीज़ें उसी तरह नजर आती हैं तो अब वो कहते हैं कि आप अकेले से कोई वैल्यू नहीं बना सकते जब तक आपकी शख्सियत का रंग उसके ऊपर ना आ जाए